मस्जिद अल हराम मक्कतुल मुकर्रमा और मस्जिद अल नबी मदीनतुल मुनव्वरा से खुतबे का उर्दू तर्जुमा के लिए हमारे सोशल नेटवर्क को फॉलो करना ना भूलें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। खुतबे जुमा मस्जिद हराम बतारीख 30 ज़िलहिज्जा 1443 हिजरी बमुताबिक 29 जुलाई 2022 ईस्वी बउनवान नया साल और संजीदा एहतिसाब खतीब मालिक शेख डॉक्टर साले बिन हुमैद हफिज़हुल्लाह तर्जमा व आवाज़ सनाउल्लाह सादिक टैंक। हर किस्म की तारीफ एक ज़बरदस्त ताकतवर अल्लाह के लिए है। वो दिन और रात को उलट पलट करता है, वो पाक है और उसी की हमद है। उसने कामों की मियाद और उम्रों की मकदार मुकर्रर की। उसने सूरज और चांद को मुसख़र किया, दोनों एक मुकर्ररा हिसाब और अंदाज़ा से चल रहे हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। सच्चाई, यकीन और इकरार वाली गवाही। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। आपको आपके रब ने रहमत हिदायत के साथ मबूस किया और आपने उम्मत से बोझ और बेड़ियों को हटाया। दुरूद सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपकी पाकबाज आल पर, आपके नेकोकार असहाब पर, ताबेईन पर और जो दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करें उन पर, और बहुत ज्यादा ता कयामत सलामती हो। अम्मा बाद लोगो, मैं आपको और खुद को अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ। अल्लाह तुम पर हम करे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और जान लो कि दुनिया दीन के कायम होने ही से कायम हो सकती है और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकने से ही गलबा हासिल हो सकता है और इखलास और सैयदुल मुरसलीन की पैरवी से ही दीन दुरुस्त होगा। नफ्स का एहतिसाब राह हक पर चलने वालों का रास्ता है और तकवा ही मोमिनों का तोशा है। कामयाब होने वालों की पूंजी नेक अमल है। जिसने दुनिया में अपने नफ्स का मुहासबा किया आखरत में उसका हिसाब हल्का होगा, सवाल के वक्त जवाब दुरुस्त होगा और उसका अंजाम और ठिकाना अच्छा होगा। और जिसने अपने नफ्स का मुहासबा नहीं किया उसकी हसरतें दायम होंगी, कयामत के मैदान में उसका वकूफ दराज होगा और उसे उसकी खताएं और बुराइयां घेर लेंगी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, उस रोज लोग मुख्तलिफ जमातें होकर वापस लौटेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखा दिए जाएं। बस जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। और हर साल जो जो करता है वो दुनिया और घरों से दूर और आखरत और कब्रों से करीब करता जाता है। अहल औलाद और माल की लुत्फ अंदोजी से दूर और आमाल के साथ तन्हाई के करीब करता जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तो तुम्हें पहुँच कर रहेगी, फिर तुम सब छुपे खुले जानने वाले यानी अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए काम बतला देगा। मुसलमानों, जो कोई अपने लिए खैर का इरादा रखता हो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने नफ्स का एहतिसाब व मुहासबा करते हुए सच्चा जायजा ले। इसलिए कि अल्लाह की कसम तुम जरूर वैसे ही मर जाओगे जैसे सोते हो और वैसे ही दोबारा जिंदा उठाए जाओगे जैसे नींद से बेदार होते हो और जरूर ही तुम्हें तुम्हारे किए का बदला दिया जाएगा। इताअत गुजारों के लिए जन्नत होगी और फरमानों के लिए जहन्नम। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, बतलाओ तो जो आग में डाला जाए वो अच्छा है वो या वो जो अमन व अमान के साथ कयामत के दिन आए। तुम जो चाहो करते चले जाओ, वो तुम्हारा सब किया कराया देख रहा है। अल्लाह के बंदो, जमाना और उसके इनकलाबात सबसे खैर खाह मुअल्लिम है और जमाना और उसकी मुसीबतें सबसे फसीह मुतकल्लिम है। उनके बेदार करने से मुतनब्बे हो जाए और उनके अल्फाज से इबरत पकड़े। हदीस में आया है, चार चीजें बदबख्ती में से हैं, आंख का खुश्क होना, दिल की सख्ती, लंबी आरजू और दुनिया का लालच। इसे बाजार ने रिवायत किया है। प्यारो, जवानों में ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी जवानी ने धोखे में डाल दिया है और वो साथियों के खोने को भूल गए हैं। अचानक वाकई होने वाली चीजों की सुरह तो तेजी से गाफिल है, आरजुओं से मुअल्लक है, जबकि आरजुएं तो सुस्त लोगों के अवहाम और गाफिलों के अफकार है और उन पर एतमाद करना तो सिर्फ बेवकूफों का सामान और मुफलिसों की पूंजी है।
है और तमन्नाएं पालना और टाल मटोल से काम लेना हाल और मुस्तकबिल को जाये करना है। भाइयों और अहले इल्म में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इल्म हासिल करने में कोशिशें की और अमल के सिलसिले में वैसी कोशिशें नहीं की। उन्हें उलूम अता हुए तो उन्हें उन्होंने प्रोपेगंडो और मुबहसों और साथियों पर बुलंद होने में सर्फ किया। अपने दीन को अपनी दुनिया के रुफू के लिए फाड़ते हैं, न गीबत से बचते हैं और न हसद से महफूज रहते हैं। अहले दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने अपने माल शहवतों और हराम चीजों में सर्फ किया है। उनमें सबसे बदबख्त वो हैं जिन्होंने माल कमाया और उसने उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया और उनसे उनके बाद उस माल को नेक लोगों ने पाया, अल्लाह की इताअत के साथ माल में तसर्रुफ किया और जन्नत में दाखिल हुए। मुसलमानों, उस शख्स की हालत अजीब है जिसे मौत का यकीन है और फिर उसे भूल जाता है, नुकसान को जानता है फिर उसे अंजाम देता है, लोगों से डरता है जबकि अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए, सेहत से धोखा खाता है और बीमारी को भूल जाता है, आफियत से खुश होता है और दर्द व अलम को याद नहीं करता, जवानी पर इतराता है और बुढ़ापे से गाफिल है, इल्म का एहतमाम करता है और अमल से लापरवाह है, दुनिया का हरीस है और आखिरत से बेफिक्र है, उसकी उम्र दराज हो रही है और उसके गुनाह बढ़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं और दिल सियाह, बीमार, दिलों का इलाज मुश्किल होता है, जो आंखें हराम हैं उनसे रोया नहीं जाता और जब आजा शहवतों में डूब जाएं तो उन पर मातम करना हक है। प्यारो, जब बात ऐसी ही है तो बाबसीरत शख्स को अपने नफ्स से, अपने नफ्स के लिए, जिंदगी से मौत के लिए, जवानी से बुढ़ापे के लिए और सेहत से मरज के लिए तोशा लेना चाहिए, इसलिए कि मौत के बाद कोई माफी नहीं और दुनिया के बाद सिवाय जन्नतो जहन्नम के और कुछ नहीं। जिसने अपने और अपने रब के दरमियान के मामला दुरुस्त कर लिए, अल्लाह उसके लिए उसके और लोगों के दरमियान के मामलात में काफी हो गया। जो अपनी खलवत में सच्चा होगा उसकी जलवत अच्छी होगी और जो अपनी आखरत के लिए अमल करेगा अल्लाह उसकी दुनिया के मामले के लिए काफी होगा। मुसलमानों, सच्चा एहतसाब वो है जिसके बाद अमल हो। अल्लाह के बंदे, आपको चाहिए कि फौत शुदा की तलाफी उससे करें जो बाकी है, अपनी घड़ी और दिन में जिए और ऐसी नदामतों हसरत में न पड़े जो आपको अमल से फेर दे। और याद रखिए कि जिसने बचे हुए की इसलाह कर ली उसके गुजरे हुए को माफ कर दिया गया और जिसने बचे हुए में बुराई की तो गुजरे हुए और बचे हुए दोनों के सिलसिले में उससे मुआखजा होगा। मौत तुम्हारे पास अचानक आ जाएगी, इसलिए हर लम्हे को उसका हक दो और हर सांस को उसकी कीमत, क्योंकि दिन सवारी है, सांसे कदमों के चंद फासले हैं, नेकियां जमा पूंजी हैं, फायदा जन्नत आदन है और नुकसान भड़कती हुई आग जिसे बदबख्त ही तापेगा और तुम खुद अपने नफ्स के मुहासिब हो। अल्लाह तुम पर रहम करे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अपनी दुनिया से ऐसा तोशा लो जिससे कल अपने आप को बचाओगे। जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा वो अपने नफ्स के साथ खैरखाही करेगा, अपनी तौबा को आगे भेजेगा और अपनी शहवत का मुकाबला करेगा। अल्लाह के बंदो, कबूल की उम्मीद अपने रब और उसकी आयतों पर ईमान रखने वाले, मुखलिस इबादत गुजार और डरो खौफ रखने वाले बंदे को ही होती है। जो अपनी इबादतों को हकीर समझता है, अपनी इताअतों को कम जानता है, अल्लाह के जलाल व अजमत और इल्म व अहाता से वाकिफ होता है और उसके शायर व मशायर का मुहाफिज होता है। अल्लाह के बंदो, अपने सिलसिले में अल्लाह से डरो। नेक आमाल में मतलूब ये है कि दिलों के इखलास की निगहदाश्त की जाए, इसलिए कि बिज़्निल्लाह इखलास हक़ो सब्र और मुदावमतों पाबंदी का सबब होता है और इखलास से अल्लाह का फजल बढ़ता है, उसका अजर व सवाब बड़ा होता है। बल्कि इखलास तो मबाह चीजों को इताअत, इबादत और तकर्रुब बना देता है और यूं बंदे की सारी जिंदगी अल्लाह के लिए हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आप फरमा दीजिए कि बिलयकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही का है, जो सारे जहान का मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जब तुम नेकियों की तलाश में हो तो नेकियों पर हमेशगी बरतना मत भूलो। सही हदीस में आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस पर हमेशगी बरती जाए हर जंद के वो कम हो। उसे बुखारी ने किताबुल रिकात में रिवायत किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल हमेशगी वाले होते थे। इमाम नबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कम पर हमेशगी बरतने से नेकी जारी रहती है, जिक्र, खशियत, इखलास और अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होने से नेकी जारी रहती है। यूं हमेशा होने वाली कम इबादत मुनक़ते होने वाली कसीर इबादत पर कई गुना बढ़ जाती है। इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, खैर की पाबंदी करने वाला अपने आका की खिदमत में लगा रहता है और जो किसी वक्त दरवाजे पर रहे वो उसकी तरह नहीं हो सकता जो दिन भर दरवाजे पर रहे और फिर हटे। इन
باتوں کے بعد اللہ کے بندو نیک عمل کی توفیق مخلص دل خالص توحید اور مضبوط ارادے کے لوگوں کو ملتی ہے جو شریعت کے احکام کو پورا کرتے ہیں غفلت اور خود غرضی سے دور رہتے ہیں ایثار کی راہ چلتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بلا شبہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت سے فائدہ پہنچائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے میں اپنے لیے آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تم بھی مغفرت طلب کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس نے مخلوقات کو اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر دلائل و براہین بنائے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں جس نے اس کی توحید کی گواہی دی اور اپنے سامنے کے لیے تیاری کی وہ کامیابی و نجات سے ہمکنار ہوا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ ہدایت کے نور اور تاریکی کے چراغ ہیں درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو جب تک دن روشن ہو اور رات چھاتی رہے اما بعد اے مسلمانوں زمانے کی مصیبتوں میں عبرتیں ہیں اور ایام کے حادثات میں نصیحت ہے اوقات لپیٹے جاتے ہیں اور آبادی کو تباہ کرتے ہیں ویران کو آباد کرتے ہیں ایک مرتبہ دیتے ہیں تو دوسری مرتبہ چھین لیتے ہیں بس ان کی گمراہ کن چمک دمک سے بچو جو اس سے زیادہ حاصل کرے گا وہ اللہ سے زیادہ دور ہوگا اور جو اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرے اس کا نفس باطل میں مشغول ہو جائے گا اور اگر برتن میں پانی نہ ہو تو ہوا ہوگی اس لیے جو باقی بچی چند گھڑیوں کی حفاظت کا عزم رکھتا ہو اسے سوائے محنتی اور کام کرنے والے نیکوکار اور بیدار اور فرما بردار اور صالح لوگوں کے اور کسی کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے جو اپنے اوقات کے اس سے زیادہ حریص ہوتے ہیں جتنا بخیل اپنے درہم و دینار کا حریص ہوتا ہے محنت سے عمل کیجئے جو گزر چکا اس سے سبق سیکھیے کیونکہ مواقع فوت ہوتے ہیں موت کا وقت متعین ہے رہائش محدود ہے دن گنے چنے ہیں اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے اے مسلمان بھائیو غفلت تمام برائیوں کی جڑ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نیکی دل کا نور اور بدن کی قوت ہے اور برائی دل کی تاریکی اور بدن کی کمزوری ہے اور معصیت کی تاریکی اطاعت کی روشنی کو بجھا دیتی ہے اللہ تم پر رحم کرے سنو اللہ کا تقوی اختیار کرو ڈرو اور اپنا احتساب کرو اس کا کیا ہوگا جو اللہ کو جانے اور اس کا حق نہ ادا کرے اور اس کا کیا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہ کرے اور اس کا کیا ہوگا جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے اللہ کی نعمتوں میں رہے اور شکر گزاری نہ کرے اس نے شیطان کو دشمن نہیں بنا لیا جنت کے لیے عمل نہیں کیا جہنم سے نہیں بھاگا موت کی تیاری نہیں کی لوگوں کے عیب میں لگا رہا اور اپنے عیب سے غافل رہا یہ اور اس جیسے لوگ بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں نعمتیں انہیں دھوکہ دے رہی ہیں مالداری نے انہیں سرکش بنا دیا ہے اور آرزوؤں نے غافل کر رکھا ہے ان پر شیطان حاوی ہو گیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے اور وہ عنقریب پچھتائیں گے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور اس وقت پچھتاوے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا یہ باتیں رہی اور درود و سلام بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کا حکم تمہیں اس نے اپنے کتاب میں دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریمانہ بات کہی ہے بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و رحمت بھیجتے ہیں